अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखो, मौसम बदलने वाला है। मैं 25 तारीख को तो बिल्कुल सेम लुक में जा रहा हूँ शाहरुख खान बन के, और जो मेरा अंडरवियर है वो ये कलर का है, ये बहुत मस्त कलर है। और जितने भी बाइकॉट गैंग है, जितने भी इसको बाइकॉट कर रहे थे, तो इसको भी एक बार पहनिए। मैं जितना गैंग में जितने भी लोग बाइकॉट शाहरुख खान को कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पहनने से वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, उनका वो जो है लिमिट में रहेगा और ज़्यादा गर्म नहीं खा पाएंगे। मैं पहन रहा हूँ 25 जनवरी को, आप भी पहनिए। देखने चलिए मेरे साथ ऑरेंज चड्डी पहन के पठान। देखेगा पूरा हिंदुस्तान। उनके खिलाफ जो नफरत बांट रहे हैं, मैं उन सबकी माँ बहन कर दूंगा। अब मेरा दिल बोलता है कि पठान देखेगा पूरा। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की मांग पूरे देश भर से की जा रही है, या यूं कह सकते हैं कोई शाहरुख खान को अफगानिस्तान और पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म को हम इस तरह बॉयकॉट करेंगे कि उनकी फिल्म कोई कमाई नहीं कर पाएगी। तो अभी हम मौजूद हैं कोलकाता के मन्नत में। जी हाँ, मन्नत के सामने मौजूद एक और कोलकाता के शाहरुख खान से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं पठान को लेकर, और जो बॉयकॉट गैंग जो अचानक से एक्टिवेट हो गया है शाहरुख खान की आने वाली फिल्म को लेकर, उनके बारे में उनके क्या विचार है, और जो शाहरुख खान को अफगानिस्तान और पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है, कोई कह रहा है कि शाहरुख खान को ये फिल्म जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगाना चाहिए, इसको लेकर क्या सोचते हैं कोलकाता के शाहरुख खान, आज हम उनसे बात करेंगे। मैं बताता चलूं कि कोलकाता के शाहरुख खान जो है वो शाहरुख खान से 50 मरतबा उन्होंने मुलाकात की है, और साथ ही साथ उनके साथ शाहरुख खान के साथ बहुत सारी तस्वीरें उनके पास मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं कोलकाता के शाहरुख खान से, और इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि हम मन्नत में मौजूद है, शाहरुख नाम से ही मैं आपको पुकारूंगा। हाँ, शाहरुख नवाज तो वैसे नाम ही है मेरा, सारे लोग कोलकाता में शाहरुख ही बोलते हैं। अच्छा शाहरुख भाई, ये कहिए कि आने वाली जो फिल्म है पठान, उसको बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है, क्या लगता है कि हिंदू धर्म को वाकई में चोट पहुंची है जो शाहरुख खान की फिल्म में बेशरम रंग है उसकी वजह से? देखिए, एक सेकुलर कंट्री है इंडिया, अब बहुत सेकुलर लोग रहते हैं, मैं जिनका नेगेटिव सोच है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाले बिल्कुल देखने जाएंगे। पॉजिटिव की तादाद बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। अब मेरा दिल बोलता है कि पठान देखेगा पूरा हिंदुस्तान। अच्छा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को ये मूवी जो है पठान, जो मूवी है पठान, अक्सर देखा जाता है कि अफगानिस्तान में पठानी लोग रहते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर उनकी तादाद होती है, तो अगर हिंदुस्तान में ये मूवी को लॉन्च किया जा रहा है और रिलीज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर सनातनी इसका नाम होना चाहिए था, पठान क्यों रखा गया? सबसे बड़ी बात, शाहरुख खान रियल पठान है, और जितना भी इसके बाइकॉट कर ले, ये जितना भी आप चिंटू देख रहे हैं, नफरती चिंटू जो उल्टा सीधा चैनल पे आके बोल रहे हैं, शाहरुख खान के वालिद के बारे में बोल रहे हैं, उनकी मालदा के बारे में बोल रहे हैं, बहुत उठपटांग बातें किया जा रहा है, इन सब का देखिए शेर एक ही बात धरेगा, उसके बाद वो पता चलेगा। पूरे 2000 करोड़ रुपये का बिजनेस होगा वर्ल्ड ओवर, गारंटी लिख के ले लो आप। 2000 करोड़? हाँ जी। बॉयकॉट गैंग तो कह रहे हैं कि वो 100 करोड़ भी पार करने नहीं देंगे। उनकी मानसिकता थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। अच्छा। कि उनका उस भगवा, ठीक है भगवा कलर का हम लोग सम्मानित करते हैं, पर भगवा कलर पहना कहा गया? सभी ने, इससे पहले अक्षय कुमार ने पहना है, बहुत सारे निवरवा देख लिया जो संसद है उत्तर प्रदेश के, वो रवि किशन, मनोज तिवारी, सबके गाने पे उठ पटांग स्टाइल देख से अब बिकनी के लिए से ब्लाउज तक भगवा कलर पहना जा रहा है। मगर विवाद इसलिए हो रहा है कि शाहरुख खान एक मुसलमान है, उसका इतना क्रेज क्यों है? इतना पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड में शाहरुख के दीवाने हैं। मेरे को 22 साल हो गया, मैं 22 साल से पागल हूँ, मैं कम से कम 300 बार मिल चुका हूँ, मेरे फोटो में आपको दिखा सकता हूँ 39 पूरे पिक्चर्स है। बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही प्यार से मिलते हैं अपने फैन से, तो जो लोग मोहब्बत बांटते हैं तो वो उनके खिलाफ जो नफरत बांट रहे हैं, मैं उन सबकी माँ बहन कर दूंगा। अच्छा, शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ये कह करके वो JNU गई थी और उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का साथ दिया है, जिसकी वजह से और टारगेट इस मूवी को किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? 500 रुपये में मिलते हैं ये सब लोग। अच्छा।
ये जब लोग अफवाह फैलाते हैं, न्यूज़ में जाते हैं, बहिष्कार करते हैं मूवी का, ये सब 500 रुपये में ही व्हाट्सएप ग्रुप होता है, 2 लाख 3 लाख ग्रुप इन लोगों का होता है, इन लोगों को 500 रुपये फ़ोन पे पे किया जाता है और इस तरह का विवाद किया जाता है कि आप जाके दीपिका को बोलिए सी इज़ अ वेरी 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 गुड एक्टर्स, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी एक्टिंग की भी और दीपिका बहुत अच्छी है, आप जितना जिसको बोलना है बोलिए, हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे दीपिका शाहरुख खान के लिए, क्योंकि शाहरुख खान तो मेरे लिए जानते हैं भगवान है। तो शाहरुख खान की जो मूवी है पठान, ये क्या लगता है आपको कितना बिजनेस कर पाएगी? मैं तो बोल दिया हूँ आपको 2000 करोड़ लिख के रख लो आप, ये रिकॉर्ड, ये यानी बॉलीवुड को जितना बायकट कर रहे थे, ये पठान मूवी से फिर से बॉलीवुड कमबैक होने वाला है, शाहरुख खान हमारे बॉलीवुड का इज्जत को बचाने वाला है। मेरे को पता है हिंदुस्तान में एक ही एक्टर है और उसका नाम है शाहरुख खान, किंग खान बॉलीवुड के। ये गांजा पीने वाले करते हैं, ये नशा पीने वाले, इनके पास के पास काम नहीं होता है कि क्या करे, तो उनको गाली दिया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही, तो ये सब जो इनकी मानसिकता है बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं, नेगेटिव सोच वाले हैं। पॉजिटिव सोच फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे, आप देख लिए टोटल थिएटर में फर्स्ट शो फर्स्ट वीक का पूरा हाउसफुल जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं, जो बायकॉट कर रहे हैं मेरा दावा है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो भी देखेंगे। एक आखिरी सवाल शाहरुख भाई, ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं रंगों की राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं मजहब को ठेस पहुँचाया जा रहा है, कभी भगवा कलर का रंग देकर, कभी ग्रीन कलर के रंग पर, इस तरह से राजनीति जो हमारे देश में चल रही है, अब बॉलीवुड कहीं ना कहीं इसका निशाना सीधा सीधी बनता जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि कितना ये सक्सेस हो पाएंगे ये बॉयकॉट गैंग और जो रंगों की राजनीति कर रहे हैं वो लोग? इंटरटेनमेंट को जो पसंद करते हैं, इंटरटेनमेंट को जो चाहते हैं, वो इंटरटेनमेंट हमेशा करेंगे, जितना भी बायकॉट कर ले ये जो कार्यक्रम है इन लोगों का, ये 8-10 साल से चले आ रहा है बॉलीवुड को बायकॉट करने पर, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा, आने वाला टाइम में बॉलीवुड जिस लेवल पे था उससे भी ऊपर लेवल में जाएगा, और शाहरुख खान का जो रैंक है वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, हम लोग खुद पूरी प्यार करते हैं, और नफरती चिंटू से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप लोग करते रहिए बहिष्कार, हम तो करते रहेंगे शाहरुख खान को नमस्कार, देखेगा पठान पूरा हिंदुस्तान अपनी कुर्सी, ये शाहरुख खान स्टाइल अभी पठान का है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखो, मौसम बदलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, लेकिन जाने से पहले, चूंकि आप शाहरुख खान से कई मर्तबा मिल चुके हैं और आपकी तस्वीर भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं वसीम से कहूँगा थोड़ा तस्वीर भी दिखाएं, ये शाहरुख खान से, कोलकाता के शाहरुख, ओरिजिनल शाहरुख से कई बार मिल चुके हैं, इसके अलावा ये तस्वीर दिखा दें, और इनके जो दुकान का नाम है, इनके जो शॉप का नाम है, ये देख सकते हैं मन्नत लैंड्स एंड, जो कि शाहरुख खान के घर का यही नाम है। यहाँ पे एक तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, ये बाहर की तरफ एक तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, शाहरुख खान के साथ हमारे कोलकाता के शाहरुख खान कई मर्तबा मिले हैं, तो मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा शाहरुख भाई को, कुछ तो डायलॉग अपने अंदाज में बॉयकॉट गैंग को शाहरुख खान के अंदाज में ज़रूर कहें। मैं एक वादा करता हूँ आपसे बॉयकॉट गैंग, कि जब तक मैं बॉलीवुड के अंदर रहूँगा यहाँ पे इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों बाद भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। जो आदमी पालों से बॉलीवुड को बायकॉट करने की कोशिश कर रहा है, मैं उनमें भी इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि ज़िंदगी भर वो नफरत को बुलाकर मोहब्बत में जुड़ जाएंगे। शाहरुख खान इसी का नाम है, जो प्यार सबको बांटता है, प्यार देता है, प्यार देता है और सबके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता है, जो उनके लिए मोहब्बत रखते हैं उनको भी थैंक यू, आप भी खुश रहे, मगर कोई फायदा नहीं होगा बेटा बायकॉट करके, पठान सुपर डुपर डंपर हिट होगा, क्योंकि अपनी कुर्सी बांध कर रखो, मौसम बदलने वाला है 25 जनवरी को। शाहरुख भाई 25 तारीख का क्या प्लानिंग है आप लोग? 25 तारीख का प्लानिंग हम लोग बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं, पोस्टर होर्डिंग वगैरह लेकर, और सबसे बड़ी बात है 50 किलो दूध लेकर जा रहे हैं हम लोग, उस शाहरुख खान के पोस्टर में डालेंगे, जो लोग उसके पोस्टर का बहिष्कार कर रहे थे, उनको जला रहे थे, उसी पोस्टर को हम लोग दूध से नहलवाएंगे और स्वागत करेंगे शाहरुख खान का पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। पूरा रूट क्या होगा? रूट ही मटियापुर से आपको इस प्लैनेट जाएगा, फिर इस प्लैनेट से आपको टॉलीगंज नबीना सिनेमा। टाइमिंग वो सर ईयरली मॉर्निंग होगा आपको, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो कहीं एक और भी हॉक स्टार थिएटर है वहाँ मेरा फ्री है, तो मुझे 10-15 मिनट के लिए वहाँ जाना है, उसके बाद फिर यहाँ से रैली लेके निकलना है। तो देख सकते हैं कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 25 जनवरी को जो लगने वाली है थिएटर पे पठान, उसको लेकर रैली निकालने वाले हैं और 50 लीटर दूध जो है उनके पोस्टर पर चढ़ाया जाएगा और डाला जाएगा, और
जो लोग उनके पोस्टर को जला रहे हैं, जो नफरती चिंटू जैसा कि शाहरुख भाई ने कहा, जो लोग नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जोर का तमाचा 25 जनवरी को कोलकाता की सरजमीन से लगने वाली है। शाहरुख खान जो शाहरुख भाई हैं हमारे, वो देने वाले हैं 25 तारीख को। किस लुक में जाएंगे कोलकाता के शाहरुख खान मूवी देखने के लिए, चलिए वो जान लेते हैं। मैं 25 तारीख को तो बिल्कुल सेम लुक में जा रहा हूँ शाहरुख खान बनके, और जो मेरा अंडरवियर है वो ये कलर का है, ये बहुत मस्त कलर है। और जितने भी बायकॉट गैंग है, जितने भी इसको बायकॉट कर रहे थे, तो इसको भी एक बार पहनिए। मैं जितना गैंग में जितने भी लोग बायकॉट शाहरुख खान को कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पहनने से वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, उनका वो जो है लिमिट में रहेगा और ज़्यादा गर्म नहीं खा पाएंगे। मैं पहन रहा हूँ 25 जनवरी को, आप भी पहनिए, देखने चलिए मेरे साथ ऑरेंज चड्डी पहन के पठान देखेगा पूरा हिंदुस्तान। थैंक यू। एक सिग्नेचर जो शाहरुख खान का सिग्नेचर वो कर दें। शुक्रिया शाहरुख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे कोलकाता के शाहरुख खान से, जिन्होंने कहा है कि आने वाली फिल्म शाहरुख खान की पठान 2000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है, और बॉयकॉट गैंग के गैंग को बहुत ही जोर का तमाचा भी लगने वाला है इस मूवी के जरिया। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें। जय हिंद जय भारत।